दोस्तों इतिहास की ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे आज चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता है। इंसान जाने अनजाने में प्रकृति के साथ बहुत बड़ी गलती कर बैठता है जिसका अंजाम उसे खुद भुगतना पड़ता है। दोस्तों इंसान की एक ऐसी गलती जो 2.5 करोड़ लोगों के मौत का कारण बनी। आज से 62 साल पहले चीन में घटी वह भयानक घटना जिस वजह से करोड़ों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभियान की जिसका निर्णय बहुत ही भयानक साबित हुआ और लास्ट में तबाही का कारण बना। उस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पेरो कैंपेन। यह वह चीनी सरकार का निर्णय था जिसने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इन करोड़ों लोगों की तबाही के पीछे चीन की बहुत ही बड़ी गलती थी। तो चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। दुनिया के रहस्यमयी विघटनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों साल था 1958 का। तब चीन की सत्ता संभाल रहे थे माओ जेडोंग, जिन्हें माओ से तुंग भी कहा जाता है। उस वक्त चाइना की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, मगर माओ जेडोंग ने फैसला किया कि कृषि आधारित चाइना की अर्थव्यवस्था को आधुनिक और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जाए। माओ चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे। उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती थी, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ ने यह निर्णय किया कि 1958 से लेकर 15 सालों के भीतर ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की अर्थव्यवस्था को टक्कर देनी है, और अगर हम इस उद्देश्य में कामयाब हो गए तो हम यूके को भी पछाड़ देंगे। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसे 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसको 4 कीट अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी और गोरैया चिड़िया को मारने का आदेश दे दिया था। उनका कहना था कि ये 4 जीव किसानों की मेहनत को बेकार कर देते हैं, खेतों में मौजूद उनके सारे अनाज खा जाते हैं, इन्हें मार देना चाहिए। चीन के वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गोरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज या उसके बीज खा जाती है और फलों को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। अगर चीन में मौजूद सारे गोरैया को मार दिया जाए तो बहुत ही बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और बाद में बढ़े हुए उत्पादन को बाहर के देशों में निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इस समस्या के समाधान के लिए ग्रेट स्पेरो अभियान स्टार्ट किया, मगर असल में वह एक अभियान नहीं बल्कि युद्ध था। इन 4 जीवों को खत्म करने के लिए चीनी आम जनता से लेकर सेना तक का इस्तेमाल हुआ। मच्छर, मक्खी और चूहों को मारना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो आसानी से खुद को कहीं छुपा लेते थे, लेकिन गोरैया चिड़िया की तो आदत है कि वो हमेशा इंसानों के बीच ही रहना पसंद करती है, लिहाजा वो माओ जेडोंग के आदेश का शिकार बन गई और पूरे चीन में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रचार हुआ। चीन के नागरिकों को गोरैया को मारने के लिए भारी मात्रा में जुटाया गया। गोरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, हॉस्पिटलों, यहां तक कि बाजारों में भी गोरैया चिड़िया मारने की मुहिम चलाई गई। इस अभियान का नारा था गोरैया को मिटाना है। यहां तक कि उनके घोंसलों को भी उजाड़ दिया गया ताकि कोई जिंदा न बच सके। लोग बर्तन, टिन या ड्रम बजा बजा कर गोरैया को उसकी जगह से उड़ाते और उसे तब तक कहीं बैठने नहीं देते जब तक कि वह उड़ते उड़ते थक न जाए और आसमान से ही गिरकर मर न जाए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति जितनी संख्या में गोरैया मारता उसे उतना ही बड़ा इनाम भी मिलता था। इस लालच में चीनी लोगों वो घर बैठे थे जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। यह अभियान कितने बड़े स्तर पर था इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि पहले ही दिन करीब 2 लाख गोरैयों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त जहां तक नजर जा रही थी वहां पर केवल नजर आ रही थी मृत्यु हुई गोरैया चिड़िया। इस अभियान के चलते करीब 2 सालों के अंदर चीन में लगभग
गोरैया नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अभियान की आड़ में चीनी लोगों ने दूसरे पक्षियों को भी निशाना बनाया, जिस कारण पूरे चीन पर पक्षियों की प्रजाति का ही संकट आ खड़ा था। 1960 तक आते आते चीन ने अपना पर्यावरण संतुलन खोना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त माओ को अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर अफसोस इस बात का तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया केवल अनाज को ही नहीं खाती थी, बल्कि खेतों में मौजूद अनावश्यक कीड़ों को भी खाती थी। लेकिन गौरैया के साफ होने के बाद चीन में इन कीड़ों को नियंत्रित करने वाला कोई पक्षी नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन में कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा टिड्डी दल में वृद्धि हुई। पूरे चीन में टिड्डियों की संख्या अनियंत्रित हो गई। टिड्डियों के भारी झुंड आते और फसलों को पूरी तरह से चौपट कर जाते थे। टिड्डी दलों और अन्य कीड़ों के हमलों से चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। भारी मात्रा में इन कीड़ों के आगे कीटनाशक दवाई ने भी घुटने टेक दिए। इसका उल्टा नई कीटनाशक दवाई की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। देखते ही देखते चाइना अकाल की स्थिति में आ गया था। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हजारों लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे। उस वक्त आलम यह था कि हजारों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। बाद में चीनी सरकार को पता चला कि गौरैया चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। साल 1960 में माओ जेडोंग ने गौरैया को मारने पर रोक लगा दी, मगर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और प्रकृति इसकी सजा चीन के लोगों को दे चुकी थी। अकाल के कारण भूखमरी की वजह से करोड़ों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी। साल 1958 से लेकर 1961 के बीच में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि उस वक्त चीन में 4.5 करोड़ लोग भूखमरी की वजह से मर गए थे। ये चीन की इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। इसे चाइना में महाअकाल की संज्ञा दी जाती है। असल में यह एक बहुत ही बड़ी मानवीय भूल थी। हालांकि बाद में चीनी सरकार ने इस पर्यावरणीय भूल को सुधारने के लिए रसिया से गौरैया का आयात किया। चाइना ने अपने देश में गौरैया की संख्या वापस बढ़ाने के लिए मित्र राष्ट्र रसिया से भारी मात्रा में गौरैया चिड़िया का आयात किया। मगर दोस्तों, चाइना को वापस पटरी पर लौटने के लिए कई साल लग गए। कई साल बीत जाने के बाद चाइना वापस सामान्य स्थिति में आया था। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की महामारी के रूप में चीन अपनी गलती का खामियाजा भुगत चुका था। प्रकृति के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ की कीमत करोड़ों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। हमें इन इतिहास की भयानक घटनाओं से सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वह कहते हैं ना कि अगर इतिहास से सबक नहीं लिया जाता है तो इतिहास खुद को दोबारा दोहराता है। दोस्तों, चीन की इस गलती से आप समझ गए होंगे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना हम इंसानों के लिए कितना महंगा पड़ सकता है। आज जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, इसके पीछे भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। अब दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।